ऑल राइट फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आपकी सीटेट की तैयारी अच्छे से चल रही होगी, और अगर नहीं चल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, सो दैट जो भी वीडियोज यहाँ पर आ रहे हैं आपको जो है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, और साथ ही साथ आपको जो है तैयारी जो है इसी बहाने आपकी तैयारी भी होती रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये जो है तीसरा वीडियो है हाउ थिंग्स वर्क सीटेट का जो सिलेबस में दिया है, और इसमें मैं पूरा जो है एक वीडियो का एक पूरा सीरीज बना रहा हूँ जिसमें 6th स्टैंडर्ड से लेकर और 10th स्टैंडर्ड तक पूरा जो है साइंस का जो आपका जो टॉपिक्स है इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स उसको पूरा कवर कर रहा हूँ। और इसमें जो है अगर आप ये पूरा वीडियो अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो ट्रस्ट मी आपको जो है 2 या 3 क्वेश्चन जो है सीटेट में इस बार फंसेंगे ही फंसेंगे, हो सकता है 4-5 क्वेश्चन फंस जाए क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स इसमें इंक्लूडेड हैं। जैसे पहले वीडियो में हमने कवर किया था वर्क एंड एनर्जी एंड मोमेंटम कवर कर लिया था, दूसरे में हमने हीट एनर्जी से रिलेटेड सब कुछ कवर कर लिया था, और तीसरा ये जो वीडियो है इसमें हम लोग लाइट से रिलेटेड जो है लाइट एनर्जी से रिलेटेड हम लोग बाकी चीजों को कवर करेंगे। अब लाइट एनर्जी में आपका रिफ्लेक्शन आएगा, रिफ्रैक्शन आएगा, इसके बाद लेंस आएगा, दुनिया भर के डिवाइसेस आएंगे जो हम लोग लाइट की प्रॉपर्टी यूज करके बनाते हैं। तो इसलिए जो है इस चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली हमारा जो यहाँ पर टॉपिक है देखो लाइट एनर्जी, और लाइट एनर्जी में जो है सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, लाइट एनर्जी जो है, लाइट जो है बेसिकली एक बहुत ही मिस्टीरियस चीज है। लाइट के बारे में अभी भी बहुत सारे साइंटिस्ट और बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि लाइट के पास ड्यूअल नेचर होता है। ड्यूअल नेचर मतलब लाइट जो है कभी कभी जो है वेव की तरह बिहेव करता है, एनर्जी की तरह कभी कभी ये पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपनी एक बुक में लिखा था कि लाइट के बारे में आप जो है जैसा सोचते हैं लाइट वैसा ही बिहेव करता है। लाइट को अगर आप पार्टिकल मानते हैं तो लाइट जो है पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, और अगर लाइट को आप एनर्जी या वेव मानते हैं तो लाइट जो है वेव की तरह बिहेव करता है। तो ये जो है मिस्टीरियस प्रॉपर्टी है, इसीलिए लाइट के सारे चीजों को हम जो है सिर्फ वेव मान के एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, या फिर लाइट की सारी प्रॉपर्टीज को फिनोमिनाज का जो हम लोग लाइट को अपनी आंखों से देखते हैं इसको सिर्फ पार्टिकल मान के भी हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसलिए लाइट को दोनों मानते हैं। क्या मानते हैं? लाइट के पास ड्यूअल नेचर होता है, तो ये याद रखना लाइट हैज ड्यूअल नेचर, और इन ड्यूअल नेचर में क्या है, एक या तो एक पार्टिकल होगा या फिर ये वेव होगा। तो ये या तो पार्टिकल होगा या तो ये वेव की तरह बिहेव करेगा, और इसी को हम लोग जो है लाइट कहते हैं। तो अब देखो लाइट जो है ना, लाइट बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बहुत तरह के वेव आते हैं, जैसे अगर मैं बताऊं तो आपका इंफ्रारेड हो गया, आपका रेडियो वेव हो गया, माइक्रोवेव हो गया, अल्ट्रा वायलेट रेज हो गया, इसके बाद एक्सरे हो गया, गामा रे हो गया, इसमें भी कई तरह के ब्रांचेस हैं। लेकिन जो है हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो विजिबल लाइट पढ़ने वाले हैं। विजिबल लाइट मतलब जिसकी वजह से हमें अपनी आंखों में जब ये एंटर करता है तो हमें कुछ दिखता है। अब जैसे मैं यहाँ पर ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इस वीडियो में आप देखो ये मेरे आसपास जो है बहुत सारे नेटवर्क है मोबाइल टावर के, जैसे रिलायंस जियो हो गया, एयरटेल हो गया, या फिर वोडाफोन हो गया, लेकिन इन सब नेटवर्क्स को मैं नहीं देख सकता हूँ। मेरे पास पास वाईफाई का भी नेटवर्क होगा, उन नेटवर्क्स वो भी एक तरह का लाइट होता है, एक तरह का रेडिएशन है, लेकिन उनको नहीं देख सकता हूँ। लेकिन जो है आप मुझे देख पा रहे हैं, ये एक खास तरह का लाइट है जिसको हम लोग कहते हैं विजिबल लाइट, और इसी विजिबल लाइट को हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब विजिबल लाइट हम लोग क्यों देख पाते हैं? क्योंकि हमारी आंखों में जो है रेटिना नाम का एक जो है स्क्रीन होता है, और स्क्रीन की तरह काम करता है। उस रेटिना में जो है हमारे पास जो है दो अलग बहुत खास तरह के सेल्स होते हैं जिसको हम लोग रॉड्स एंड कोन्स कहते हैं। यही सेल्स रिस्पॉन्सिबल है जो हमें हमारे हमारे आसपास की चीजों को दिखाते हैं। तो हम लोग जो भी देखते हैं दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ विजिबल लाइट, और ये विजिबल लाइट को हम लोग पढ़ने वाले हैं, और इसकी पहले कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सो दैट हमें आगे जब हम लेंस पढ़ें, रिफ्लेक्शन पढ़ें, मिरर पढ़ें, प्लेन मिरर पढ़ें, तो हमें उसमें कोई दिक्कत ना हो।
तो देखो सबसे पहले है रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। रेक्टिलिनियर मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। जब भी कोई चीज स्ट्रेट लाइन में मूव करती है उसे हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। और लाइट की भी यही प्रॉपर्टी है कि लाइट हमेशा जो है जब अपने सोर्स से निकलता है तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। हालांकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उसको घुमा सकती है, जो उसको मोड़ सकती है, उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकती है। जैसे कुछ चीजें, जैसे अगर आपने पढ़ा होगा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो मतलब स्टार, वाई स्टार ट्विंकल, तो स्टार इसीलिए ट्विंकल करता है बिकॉज जब स्टार से लाइट आती है तो वो क्लाउड से, बहुत सारे एटमॉस्फेयर से रिफ्रैक्ट होके आती है, इसीलिए जो है वहां पर हमें स्टार जो है ट्विंकलिंग दिखता है। मतलब उसका वो अपने जगह से दूसरी जगह पर दिखता है क्योंकि लाइट को मोड़ा जा सकता है। अगर लाइट सीधा जा रही है और उसके बीच में अगर मैं रख दूं जो है मिरर, तो मिरर क्या करेगा, लाइट की दिशा को मोड़ देगा। लेकिन अगर ये सब फैक्टर्स नहीं आते हैं, मान लो मैं अंतरिक्ष में हूं, स्पेस में हूं, और स्पेस में अगर मैं लाइट मारता हूं तो ये लाइट जो सीधा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। और लाइट की सबसे अच्छी बात यह है कि लाइट का स्पीड इस दुनिया में सबसे ज्यादा है। कितना है, 3×10^8 ms, मतलब 3,00,000 km/s में पहुंच जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये लाइट जो है बहुत स्पीड चलता है, सीधी लाइन में चलता है, इसके लिए हम लोग कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। दूसरा है ट्रांसपेरेंट मटेरियल। तो लाइट जिस मीडियम से जिस मटेरियल से सीधा पास हो जाता है उसके अंदर से, ठीक है, वो बेंडिंग भी चलेगा अगर बेंड होके पास, लेकिन पूरी तरह से अगर पास हो जा रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल। और तीसरा है ट्रांसलूसेंट मटेरियल। अब मान लो कोई एक मटेरियल है जिसमें से कि लाइट जो है घुसा, लेकिन कुछ पार्ट उसका पास हो गया, कुछ नहीं हो पाया, उसको हम लोग ट्रांसलूसेंट मटेरियल कहते हैं। ट्रांसपेरेंट मटेरियल में जैसे आपका ग्लास हो गया, ठीक है, आपका जो है कोई थिन फिल्म हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, ट्रांसपेरेंट। वाटर हो गया, आइस हो गया, इनमें से लाइट जो है पास हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहते हैं। मतलब एक पार से दूसरे पार लाइट जा सकता है, उसके चारों तरफ मैं देख सकता हूँ, इस तरफ से उस तरफ देख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा ट्रांसपेरेंट मटेरियल। दूसरा है यहाँ पर ट्रांसलूसेंट, जिसमें से थोड़ा सा पार्ट मूव कर जाता है, लाइट का पार हो जाता है, लेकिन कुछ पार्ट जो है रह जाता है, नहीं पास हो पाता, उसको हम लोग ट्रांसलूसेंट मटेरियल कहते हैं। तीसरा है ओपेक, जिसमें से लाइट बिल्कुल ही नहीं पास हो पाता है, उसको हम लोग कहते हैं ओपेक। और ओपेक सब्सटेंस का जो है, ओपेक मटेरियल का जो है खास बात यह है कि ये जो है शैडो फॉर्म करते हैं। लाइट पास नहीं होता है तो ये जो है जितने पार्ट से लाइट पास नहीं होता है वो शैडो बना देते हैं, परछाई बना देते हैं। ठीक है, तो ये जो है ओपेक सब्सटेंस का काम होता है। जैसे आप देखते हो सोलार इक्लिप्स होता है, सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, तो शैडो बन जाता है। क्यों? क्योंकि वहां से लाइट पास नहीं हो पाता है। तो इसके बाद जो तीसरा है पिन होल कैमरा। तो पिन होल कैमरा जो है बेसिकली लाइट का जो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन होता है उसके प्रिंसिपल पर काम करता है। क्वेश्चन बनता है साइंस में कि पिन होल कैमरा वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो क्या आंसर होगा, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। और पिन होल कैमरा में जो इमेज बनता है वो रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है और कलरफुल बनता है। अब यहां पर तीन वर्ड मैंने बोला है, रियल, इन्वर्टेड और कलरफुल। तो कलरफुल तो आप समझ गए होंगे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के पैटर्न बनते हैं, जिस जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसका इमेज बनेगा। हमें यहाँ पे समझना रियल इमेज क्या होता है। तो रियल इमेज हम लोग उसे कहते हैं जिसको स्क्रीन पर ले सकते हैं, हमारी आंखों में से लाइट पास होकर रेटिना पर इमेज बनाता है, ठीक है, तो वो होता है क्या, रियल इमेज। लेकिन जिसको हम लोग कंटिन्यूसली हम लोग जो है स्क्रीन पर नहीं ले सकते, उसे हम लोग वर्चुअल इमेज कहते हैं। ठीक है, तो रियल इमेज खासियत होती है कि ये जो है स्क्रीन पर आ जाता है, स्क्रीन पर हम लोग ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन वर्चुअल इमेज को नहीं ले सकते। जैसे मिरर के अंदर, मान लो मिरर के सामने हम खड़े होते हैं तो हमारा इमेज मिरर के अंदर बनता है, तो वो क्या हो जाएगा, वर्चुअल इमेज हो जाएगा, क्योंकि हम उसे स्क्रीन पर नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि स्क्रीन स्क्रीन हम लोग मिरर के अंदर थोड़ी डाल सकते हैं, तो वहां पर इमेज बनेगा ही नहीं, तो इसलिए उसको क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज बोलेंगे। तो पिन होल कैमरा, ये चीज याद रखना है, पिन होल कैमरा वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, और इसे रियल होता है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड होता है मतलब उल्टा, जैसे ये पेन आप देख रहे हो ऐसे है, तो इसका इन्वर्टेड इमेज अगर मैं बोलूं तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ये उल्टा जो बनेगा वो क्या होगा, इन्वर्टेड इमेज होगा। ठीक है, तो हमारी आंखों में जो है कैसा बनता है, हमारी आंखें भी रियल इमेज बनाती है, तो रियल इमेज फ्रेंड्स हमेशा इन्वर्टेड होता है। ठीक है, तो अब आप मुझे इस वीडियो में देख रहे हैं, ठीक है, तो मैं आपको सीधा दिख रहा हूं, ठीक है, और इसमें क्या मेरा सर ऊपर है,
पैर नीचे हैं, लेकिन रेटिना पे, आपके रेटिना पे जो इमेज बन रहा होगा उसमें पैर ऊपर होगा, सर नीचे होगा। तो आप बोलोगे कि ये फिर कैसे पॉसिबल है, क्योंकि इसके बाद एक और इन्वर्टेड इमेज ब्रेन बनाता है, उसको फिर से उल्टा कर देता है, तो क्या हो जाएगा, वो फिर से सीधा दिखेगा। तो ये अगर क्वेश्चन बनता है कि हमारे जो रेटिना पे जो इमेज बनता है वो सीधा बनता है या उल्टा बनता है, तो वो बनता उल्टा है, हालांकि ब्रेन फिर से, हमारा दिमाग फिर से उसको प्रोसेस करके फिर से एक बार और उल्टा कर देता है, मतलब उल्टा का उल्टा सीधा हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन हमारे इस रेटिना पर इन्वर्टेड इमेज बनता है, ये चीज हमें याद रखना है। इसके बाद फिर यहाँ पर एक और चीज हमें सोचना पड़ेगा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, नंबर 6, ये होता है लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन फ्रेंड्स, लैटरल इन्वर्जन क्या होता है, जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं और इसके बाद जब खड़े होने के बाद हमें लगता है हमारा राइट पार्ट जो है लेफ्ट लग रहा है और लेफ्ट जैसे राइट लगता है, उसको हम लोग कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। सो व्हाट इज लैटरल इन्वर्जन, सो लैटरल इन्वर्जन इज द फिनोमिना इन विच आवर राइट पार्ट सीम्स टू बी लेफ्ट एंड लेफ्ट पार्ट सीम्स टू बी राइट। हमें ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा महसूस होता है कि हमारा हमारा जो राइट हैंड होता है रियल वर्ल्ड में, जो वर्चुअल इमेज बन रहा है उसमें लेफ्ट बन जाता है, और लेफ्ट वाला जो है राइट प्रतीत होता है। तो इसी फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं, लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। चलो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। फिर हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखो लाइट जो है रिफ्लेक्ट होता है, जैसे मान लो कि मिरर है, तो मिरर के सामने अगर जो है मिरर पर अगर आके लाइट गिरता है तो वो उसी मीडियम में चला जाता है, तो ऐसे चीज को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दो चीजें समझनी है, एक तो रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जिस मीडियम से लाइट होती है बाउंस बैक करके फिर से उसी मीडियम में जाती है, लेकिन रिफ्रैक्शन में लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो इसको इसी इसी चीज को हम लोग रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये भी लाइट की एक प्रॉपर्टी है। तो लाइट का जो है ना, अब जैसे मान लो मैं बनाऊं, पहले हम लोग जो है एक प्लेन मिरर लेते हैं, प्लेन मिरर का सिंबल मैं बना देता हूं, एक जो है लाइन ड्रॉ करना होता है, आपके क्वेश्चन पेपर में भी एक लाइन ड्रॉ होगा और ऐसे ऐसे इंक्लाइंड लाइन बने होंगी। ये इंक्लाइंड लाइन बताता है कि ये क्या है, मिरर है। अब मिरर है, अब मान लो इस मिरर के सामने आप खड़े हो, इस मिरर के सामने आप खड़े हो, और ये कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर। मिरर भी कई टाइप के होते हैं, प्लेन होता है और दूसरा स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल में भी ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स होता है, उसमें भी टाइप्स होते हैं, लेकिन अभी पहले हम लोग प्लेन मिरर समझते हैं। तो प्लेन मिरर में क्या होता है फ्रेंड्स, कि जो है कि जब आप यहां पर खड़े होते हो, ठीक है, तो आपका जो इमेज जो है मिरर के अंदर बनता है, जो भी चीजें आसपास है, मान लो यहां पर दीवार है, दीवार पर फोटो है, कुछ भी है, तो वही चीज यहां पर भी बनेगा। जो दुनिया ये है सेम एग्जैक्ट दुनिया इसके अंदर बनती है, लेकिन ये रियल दुनिया है, वास्तविक दुनिया है, रियल वर्ल्ड है, ये वर्चुअल बन जाता है, इसीलिए इस इमेज को हम लोग वर्चुअल इमेज भी कहते हैं, क्योंकि यहां इसको हम लोग स्क्रीन पर नहीं ले सकते। अब देखो यहां पर जितना दूर आप जो है मिरर से खड़े रहोगे, प्लेन मिरर से, उतना ही दूर आपका जो है इमेज प्लेन मिरर के अंदर बनता है। ये प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी है कि अगर मान लो आप 1 मीटर की दूरी पर मिरर से खड़े हो, 1 मीटर, तो मिरर के अंदर भी 1 मीटर की दूरी पर ही आपका इमेज बनेगा, ठीक है। और अगर आप जो है आपकी हाइट मान लो जो है 2.5 मीटर है, या 2.5 मान लो 6 फीट के हो आप, 6 फीट की अगर आपको हाइट है तो मिरर के अंदर भी 6 फीट की ही हाइट होगी आपकी। ये प्रॉपर्टी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि अगर कोई आदमी मिरर के सामने खड़ा है, उसका हाइट जो है 5 फीट है, तो उसके जो इमेज बनेगा उसकी लंबाई बताओ, तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो हमें प्रॉपर्टी पता है जितना यहां इधर होगा उतना ही अंदर बनेगा। ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि एक आदमी जो है मिरर से जो है
3 मीटर की दूरी पर खड़ा है तो मिरर के अंदर उसका जो इमेज होगा वो कितने मीटर की दूरी पर होगा, तो वो भी 3 मीटर की दूरी पर होगा। हालांकि स्फेरिकल मिरर में कॉनकेव और कॉन्वेक्स में ऐसा नहीं होता है, उसमें जो है डिस्टेंस शेप साइज सब चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ पर प्लेन मिरर में यही ऐसा ही होता है। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, रिफ्लेक्शन को हम लोग समझते हैं। मान लो यही मिरर है, तो रिफ्लेक्शन क्या होगा, जैसे मान लो कोई लाइट रेज आई, अब लाइट रे क्या होता है, सीधा ट्रेवल करता है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जहां पर ये लाइट जो है इंसिडेंट करती है, ठीक है, यहीं से एक 90 डिग्री वाला लाइन आप बना दो, ठीक है, एक 90 डिग्री मिरर के रिस्पेक्ट में। एंगल की बात आती है तो एंगल दो लाइन के बीच में होता है, तो ये वाली लाइन मतलब जो मिरर है, मिरर और ये लाइन, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री अगर बन रहा है तो इस लाइन को हम लोग कहेंगे नॉर्मल। क्या कहेंगे फ्रेंड्स, इसको हम लोग कहेंगे नॉर्मल रेज, ठीक है। तो ये नॉर्मल हो गया, तो नॉर्मल से जो एंगल बनेगा ये इंसिडेंट रे का, ये आ रहा है ना, इंसिडेंट कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा उसको हम लोग कहेंगे इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब क्या होगा, अब ये मिरर है तो मिरर के अंदर लाइट नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती, क्योंकि ये जो लाइन है ना, ये बेसिकली हमने तो लाइन बनाया है बोर्ड पर, नोटबुक में, टेक्स्ट बुक में, लेकिन रियल में ये पॉलिश किया हुआ जो है, सिल्वर पॉलिश किया होता है, तो सिल्वर जो है बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता, ये ओपेक सब्सटेंस होता है, तो ये लाइट इधर नहीं जाएगी, ये लाइट जो है इधर जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इधर इस तरफ मुड़ जाएगी। तो अब ये जो लाइन है इसको हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनेगा इसको हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब हमें ये पॉइंट देखना है, ये पॉइंट है बेसिकली जहां पर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों आके वहां पर मिलते हैं, ठीक है। और इसी से रिलेटेड हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक बनता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में दो लॉ है, नंबर वन जो पहला लॉ कहता है कि ये जो पॉइंट है, ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, तीनों क्या होंगे, एक ही प्लेन में होंगे। मान लो ये बोर्ड है, लाइट आ रहा है और यहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो ये जो यहां पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे, दे ऑल लाई ऑन दिस बोर्ड। ये बोर्ड क्या है, प्लेन, प्लेन मतलब टू डायमेंशनल जो एरिया होता है ना उसको हम लोग प्लेन कहते हैं, एरोप्लेन वाला प्लेन नहीं, ठीक है। ये प्लेन क्या है, जहां पर एरिया से, ये बोर्ड क्या है, प्लेन है, ठीक है। तीन चीजें होती है मैथ्स में, जैसे एक चीज होता है लाइन, ठीक है, एक पतली सी जो है बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स को मिला दो तो लाइन बन जाता है, ठीक है। इसके बाद लाइन के बाद दूसरा जो आता है वो टू डायमेंशनल चीज होता है, ये लाइन वन डायमेंशनल है, ये जो है प्लेन होता है जो बेसिकली टू डायमेंशन होता है, ठीक है, जिसका एरिया होता है। और तीसरा होता है वॉल्यूम, घनत्व, तो जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, जैसे ये कमरा है तो इस कमरे में इसका जो है वॉल्यूम, इसमें कुछ रखा जा सकता है, वो थ्री डायमेंशनल होता है। तो ऐसे ही तो ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे, ये पहला लॉ है। और दूसरा लॉ कहता है, ये पहला लॉ जो है आपका, और दूसरा क्या कहता है, मान लो अगर मैं इसको नाम दे देता हूं आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस एंगल को मैं आई कहता हूं और इस एंगल को मैं आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होंगे, ठीक है। इसी को हम लोग दूसरा लॉ कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमारा दूसरा लॉ है। तो पहला लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। दूसरा लॉ है क्या है, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यही दो लॉ हमें जो है पढ़ने हैं, ठीक है। तो यही हमें जो है एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रिफ्लेक्शन। अब
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़ लिया। अब इसमें देखो रिफ्लेक्शन भी ना कई तरह के होते हैं, एक होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन। तो जो ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है ये हम लोग पढ़ते हैं। अब देखो क्या है ना कि एक प्लेन मिरर जो है बहुत पॉलिश किया होता है, बहुत स्मूथ होता है, तो इसमें जो है आपका जो है बेसिकली जो होता है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। मतलब जैसे कि अगर यहां से जो है बहुत सारे रे जाएंगे तो सब एक पर्टिकुलर पैटर्न में जो है रिफ्लेक्ट होंगे। जैसे यहां से कोई अगर लाइट रे आया तो ऐसे रिफ्लेक्शन होगा, मतलब बेसिकली एक पैरेलल लाइन में जो है रिफ्लेक्ट होंगे। लेकिन डिफ्यूज में क्या होता है, डिफ्यूज में जो है जहां पर कोई भी सरफेस रफ नहीं है, ग्लास हो गया या फिर कोई भी चीज हो गया, जहां से जो है चीजें जो है लाइट जो है अलग अलग एंगल पर जा रही है, ठीक है, तो वहां पे हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूं। अब देखो यहां पर मैंने मिरर बनाया था तो इसका सरफेस एकदम स्मूथ होगा, बहुत स्मूथ होगा, तो इसमें जो क्या होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। मतलब कोई लाइट ऐसे आई ऐसे मुड़ गई, ठीक है, कोई लाइट ऐसे आई ऐसे मुड़ गई। अब इन दोनों लाइन के बीच में देखो मान लो जो है 1 सेंटीमीटर का गैप है, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद भी यहां पर भी क्या होगा 1 सेंटीमीटर का गैप होगा, इसको हम लोग कहेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। सारे रेज क्या होंगे, कोई लाइट यहां से आया तो यहां से पैरेलल मुड़ेगा, ठीक है, तो ये सब क्या हो गया आपका जितना डिस्टेंस यहां पर उतना डिस्टेंस यहां पर, तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं और ये स्मूथ सरफेस पर होता है। दूसरा है डिफ्यूज्ड, डिफ्यूज वाला मैं आपको बता दूं, मान लो कोई भी एक सरफेस ऐसा ऐसा सरफेस है, ठीक है, अब क्या होगा कोई लाइट आया यहां पर गिरा, यहां पर गिरा तो ऐसे गया, ठीक है, और कोई लाइट आया यहां पर गिरा तो ये ऐसे चला गया, तो देखो ये गैप और ये गैप बहुत बढ़ गया। तो इसमें जो है आपको जो है बहुत ज्यादा अच्छा इमेज आपको नहीं मिलता है, तो इसको हम लोग कहते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। कोई लाइट रे आया यहां से आया यहां चला गया, ठीक है, तो ऐसे में जो है क्या होगा इसको हम लोग बोलेंगे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में इमेज अच्छा नहीं होता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहां भी फॉलो होगा, यहां का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होगा। हालांकि हमें इमेज ब्लर मिलेगा या फिर बहुत अच्छा इमेज नहीं मिलेगा, हाई क्वालिटी का इमेज नहीं मिलेगा, बट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा वैलिड होता है, इसीलिए इसका नाम लॉ है। लॉ मतलब जो जल्द जो कभी चेंज नहीं होता है, तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहां भी वैलिड होगा, स्मूथ सरफेस पे भी वैलिड होगा। और इसके बाद तीसरा है मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मल्टीपल रिफ्लेक्शन मतलब दो मिरर आप आस पास है अलग अलग एंगल पर रख दो तो बहुत सारे इमेज बनते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो अब हम लोग देखेंगे इमेजेस, इमेज फॉर्मेशन जो है कैसा होता है, और इमेज जो है बेसिकली अब जब रिफ्लेक्शन की बात आएगी तो यहां पर इमेज जो है दो टाइप के होते हैं, एक होता है रियल इमेज और एक होता है वर्चुअल इमेज, और इन दोनों में जो है डिफरेंस होता है, मोस्टली जो है तीन डिफरेंस होते हैं, और इन तीनों डिफरेंस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो एक तरफ मैं लिखता हूं रियल इमेज और दूसरी तरफ लिखता हूं वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। अब जैसा नाम है तो नाम में आप देख सकते हैं रियल है, तो रियल मतलब ये रियल में बनता है, तो दे एक्चुअली फॉर्म, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं दे एक्चुअली फॉर्म। और यहां पर जो होता है वर्चुअल इमेज, दे डू नॉट फॉर्म एक्चुअली, वो जो है फॉर्म नहीं होते, वो हमें महसूस होते हैं, एक वर्चुअल वर्ल्ड में बनते हैं, इसलिए जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं दे डू नॉट फॉर्म एक्चुअली, दे डू नॉट फॉर्म एक्चुअली। जो दूसरा पॉइंट है हमारा इसमें, रियल इमेज को हम स्क्रीन पर ले सकते हैं, रियल इमेज कैन बी
obtained on screen. They can be taken on screen. They can be obtained on screen. तो हम उन्हें स्क्रीन पर ले सकते हैं, बट वर्चुअल इमेज दे कैन नॉट ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन. उन्हें स्क्रीन पर हम नहीं ले सकते, राइट. एंड थर्ड वन, तीसरा वाला है एंड लास्ट वन, ओके, दे ऑलवेज दे आर इन्वर्टेड. और यहां पर जो होगा वर्चुअल इमेज में, दे आर इरेक्ट. तो यहां पर वर्चुअल इमेज इरेक्ट एंड फॉर्म्ड ऑब्टेन. क्लियर है. तो ये जो है क्या होता है, ये इरेक्ट होते हैं और ये इन्वर्टेड होते हैं, राइट. ये तीन डिफरेंस हमें याद रखना है, वर्चुअल इमेज का और रियल इमेज का. और इसके बाद हम लोग करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर. और इस स्फेरिकल मिरर में फिर आएगा आपका कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, और इसके बाद मिरर फॉर्मूला. फिर हम लोग आ जाएंगे रिफ्रैक्शन पे, रिफ्रैक्शन में लेंस आ जाएगा, लेंस में कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, फिर इसके बाद लेंस फॉर्मूला आ जाएगा. फिर इसके बाद हमारा जो है पावर ऑफ लेंस आ जाएगा, फिर कैलिडोस्कोप. ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूँ. तो इसलिए आज की वीडियो में इतना ही. अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो है बेल आइकन को दबा दीजिए, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे बराबर, क्योंकि रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो में डाल रहा हूँ. और इसके प्लेलिस्ट जब मैं पूरा बन जाएगा तो मैं आपको जो है बताऊंगा कि आपको उस प्लेलिस्ट से पूरा वीडियो देखेंगे तो ए टू जेड टॉपिक आपका कवर हो जाएगा. तो आज के लिए इतने फ्रेंड्स, थैंक यू. और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसके, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, बाय मिरर और कैलिडोस्कोप, ये सब डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच.